आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 के कैबिनेट में इस बार भी 5 महिलाओं को शामिल किया गया है, उसमें से एक नाम गुलाब देवी का भी है। गुलाब देवी पिछली सरकार में भी राज्य मंत्री रही हैं और इस बार भी उन्हें सरकार ने यह जिम्मेदारी दी है। इस दौरान प्राइम टीवी ने गुलाब देवी से खास बातचीत की। गुलाब देवी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश सरकार में एक बार फिर से इन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है और इस वक्त वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। मैम, एक बार फिर से मंत्रिमंडल में आपको जगह मिली है, प्रदेश के विकास के लिए आपको आगे बढ़ाया गया है, क्या रणनीति है, कैसे काम? हमारे लिए जो जगह दी है, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व के लिए धन्यवाद देती हूँ और ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है, पार्टी की नीतियों का परिणाम है। आगे जो हमारे कार्यकर्ता चलेंगे वो विकास को लेकर चलेंगे और विकास के आधार पर ही हमारी सरकार प्रचंड बहुमत में आई है। पिछली सरकार आप ही लोग की थी, आप लोग काम उसमें कर रहे थे, बेहतर काम आपका विभाग भी कर रहा था। आपके विभाग से जुड़ी हुई चीज़ें अगर बताई जाएं तो पिछली बार जो काम रुक गए थे क्योंकि अभी विभाग नहीं बटे हैं, अगर वही विभाग मिलता है तो किस तरह से उस पर बेहतर फोकस किया जाए? विभाग कोई भी मिले, जो काम हमारे रुके हुए हैं प्रत्येक विभाग में रुके हुए कार्यों को हम अंजाम देंगे। जनता के विकास के लिए काम किया जाएगा? जनता के विकास के लिए काम हुआ है और जनता के विकास के लिए काम होगा। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये गुलाब देवी जी थी जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहले भी हम लोग जनता के विकास के लिए ही काम कर रहे थे और इस बार भी जनता के विकास के लिए ही काम करेंगे। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी।